ओके लवेश, लेट्स प्रोसीड अहेड विद योर एचआर। और आप जा रहे हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर डेयरी टेक्नोलॉजी में। आप जी अपना सर। ब्रीफ पहले इंट्रोडक्शन दें, हिंदी इंग्लिश किसी में भी दें, और आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। अपने बारे में बताएं आप पहले। सर मेरा नाम लवलेश है। मैंने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर के कैंपस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा से बीटेक 2021 21 में किया है, पास आउट हूँ। और आपने पास आउट होने के बाद क्या किया? सर मैंने 1 साल इसके बाद मैंने सर एमटेक के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो मेरा एमटेक निकला था, लेकिन मेरे कॉलेज का एक्रेडिटेशन न होने के कारण मुझे एडमिशन नहीं मिला था। अब फिर मैं एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ भी मूव किया, लेकिन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के मूव किया तो उसके 1-1.5 महीने बाद फिर ये एक्रेडिटेशन सबके लिए ओपन हो गया कि कोई भी फॉर्म डाल सकता है, कोई भी सभी के लिए एक्रीडेशन कोई ज्यादा मान्य नहीं है। तो फिर मैंने ट्राई किया और मेरा इस बार फिर से अच्छे उसके पहले के अपेक्षा अच्छे नंबर इस बार मेरे पीजी के लिए मैंने हुआ मेरा इस बार फिर से। जी मतलब सर। आपने डेयरी का क्यों किया था? डेयरी में आपने टेक्नोलॉजी में क्यों ग्रेजुएशन किया था? सर मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का हूँ, और वहाँ पर सर एग्रीकल्चर का इतना अच्छा सोर्स नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एक और सेक्टर होना चाहिए, तो फिर हमने इधर की तरफ मूव किया। जी ओके। सर। और डेयरी में मेरे को ये बताओ, आजकल लेटेस्ट क्या टेक्नोलॉजीज हैं? डेयरी टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट क्या चल रहा है? लेटेस्ट सर इस समय क्या कहते हैं सर, यही अभी सर इतना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नहीं कहते हैं कुछ सर, अभी इस समय प्रोडक्शन को लेके ही हम लोग को मिल का भी लेके चल रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अभी उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो जी प्रोग्रेस सर। कैसे किया जा सकता है, और कौन सी कंट्री डेयरी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है? सर डेयरी टेक्नोलॉजी में स्विट्जरलैंड टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले पे अमेरिका और कनाडा है। वो क्या करते हैं, क्या स्पेशल करते हैं? सर वहाँ का जो हर जो किसान वर्ग है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी एनिमल सेट फार्मिंग डाले हुए हैं, और अपना खुद एनिमल सेट फार्मिंग वहाँ पे सर बहुत ज़्यादा है, और मिल्क प्रोडक्शन जो वहाँ पे ब्रीड है वो ज़्यादा है वहाँ पर इंडिया के अकॉर्डिंग अपेक्षा। जी सर। ओके। सो आप अगर इंडिया में हमें कुछ डेयरी टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ करना हो तो क्या जी किया जा सर। सकता है? पहले तो सर मैं लगभग जो भी किसान हैं तो उनके लिए पहले मैं यही डेयरी शेड के लिए ही पहले प्रेफर करूंगा, फिर इसके बाद प्रोडक्शन प्रोडक्ट में जाऊंगा सर। ओके। तो जी सर। टीचिंग कहाँ पे आती है इसमें? व्हाई यू वांट टू बी इन टीचिंग? जी सर। टीचिंग सर इंटरप्रेन्योर रूप में आ सकता है, क्योंकि सर जब जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे जो सीनियर मेरे बैचमेट थे और जो सीनियर थे, तो जिस हॉस्टल में रहता था उस हॉस्टल के पीछे एक क्या कॉलोनी थी जो सरकारी कॉलोनी, उनमें से बहुत सारे लोग रहते थे, तो उनमें जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके वो भी पढ़ाई से काफी ज्यादा वंचित थे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। हम लोग भी उसमें थे ये कि सर एक वो कॉलेज में कंपलसरी होता है, एक होता है क्या कहते हैं कि सर सभी कंपलसरी होता है, एक 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 दो सभी बच्चों को कंपलसरी होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करना होता है, एक होता है कोई सर्टिफिकेट होता है जिसमें याद नहीं आ रहा सर मुझे, तो उसमें हम लोग विजिट किए थे, तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर अभी भी फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कि हमको ये बाहर कर रहे हैं कॉलोनी से, तो फिर ये भी एक था, और प्लस हमारे सीनियर जो थे तो वहाँ पर वहाँ के बच्चों को पढ़ाते भी थे, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे आते थे पहचानते थे, तो फिर वो हम लोग के पास आए बताएं कि सर ऐसा ऐसा फॉर्म होता है, कि अपने मम्मी लोग को बताया, फिर हम भी अपने सर लोगों को उसके साथ जुड़ गए, और उन लोग बच्चों को हम भी थोड़ा कभी कभी पढ़ाने जाने लगे, फिर इस तरह से हमारे भी रुचि उनकी तरफ रुझान जाने लगा, और फिर इस तरह मैं कंपलसरी जाता रहा हूँ सर, मतलब हर मतलब सप्ताह में 2 या 3 बार जाता, लेकिन फिर कोरोना काल के कारण सर वो थोड़ा सा बच्चे वहां के पढ़ नहीं पाए, और फिर इसके बाद हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया। ओके। आप मेरे को ये बताइए लवेश, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हमें इस टेक्नोलॉजी की तरफ मोटिवेट करना हो, डेयरी टेक्नोलॉजी में एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना हो, तो कैसे कर सकते हैं हम? सर उनको तो पहले यही टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना हो। कैसे कैसे मोटिवेट करेंगे आप उनको? सपोज मैं आपको ले सर जाता हूँ स्कूल में, और 11th 12th के स्टूडेंट्स के साथ आपको इंटरेक्ट करवाता हूँ, तो आप कैसे जी उनको सर। मोटिवेट करेंगे? सर
सर यही कि ये भी एक अच्छा सेक्टर है, दूसरे दूसरे सेक्टर के अपेक्षा। नहीं आप और क्या बोलेंगे क्या उनको, क्या करियर दिखाएंगे? उनको सर बोलेंगे कि एक अन्य अन्य सेक्टर के अपेक्षा ये कि ये भी सेक्टर है, यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है और थोड़ा सा अच्छा भी है। यहाँ से आप अगर पढ़ाई करते पढ़ाई हैं तो करते हैं कुछ ना कुछ आपका जरूर इसमें होगा। अन्य 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 के अपेक्षा इसमें बहुत अच्छा है प्रेजेंट टाइम में। और सरकार भी इस समय बड़ा अच्छा प्रमोट कर रही है मिलकर वो एनिमल शेड को लेके, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, खुद का बिजनेस डल कर सकते हैं, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भी ठीक ठाक है लेकिन उतना नहीं अभी फिलहाल, लेकिन प्राइवेट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा लवलेश, आप डेयरी टेक्नोलॉजी का आपको सिलेबस पता है, करिकुलम पता है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का? जी सर, उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो बच्चों को अपना काम, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट करता है? कौन सा सर अभी एक बार समझे नहीं अभी थोड़ा सा। कोई ऐसा करिकुलम में ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसको अगर बच्चा पढ़े ढंग से तो अपना काम स्टार्ट कर सकता है डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड? जी सर ये मार्केट मिल्क है जो इसमें जो इसमें बेसिक है और थोड़ा सा मतलब अपने खुद में अप्लाई कर सकता है। ओके अच्छा ये बताइए आप अगर करिकुलम आप देखेंगे तो उसमें कहाँ पे इम्प्रूव लाने, इसको चेंज करने की ट्राई करेंगे जो करिकुलम आपको मिला है डेयरी मतलब सर डेयरी टेक्नोलॉजी में जी टेक्नोलॉजी का करिकुलम देखा है ना आपने, सिलेबस देखा है आपने पॉलिटेक्निक का, क्या सर नहीं चेंज सर लाना देखा चाहेंगे उसमें? सर सर उसको नहीं देखा हमने अभी देखा नहीं आपने? कोई जी सर, वो सिलेबस सर तो नहीं, हमें वो बाद में तो मिलेगा। नहीं, वो तो सिलेबस तो होता है इंटरनेट पे, आपने देखा नहीं पॉलिटेक्निक इंटरनेट पे जाके? नहीं सर अभी देखा नहीं है। ओके लवलेश, कोई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में ध्यान है आपको जो डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई हो? सर एक 2016 पे आई थी गौशाला ये कामधेनु योजना थी, और इसके बाद उसके बाद फिर और योजना आई है अभी प्रेजेंट टाइम में, नंद बाबा योजना आई है अभी हाल ही पे, तो मुझे इतना फिलहाल थोड़ा बहुत पता है सर इसमें। इसको सर अभी मैंने योजनाओं के बारे में थोड़ा सा वेबसाइट डिस्क्राइब नहीं करना सही पढ़ा है अभी, इसको पढ़ना है सर। ओके चलो मैं आपको आपका फीडबैक देता हूँ सर और सर मेरा लवलेश, वो वीडियो देख लीजिएगा सर। वो आप यहाँ पे बोर्ड लगाइए और उसमें पढ़ाइए, वीडियो से पता नहीं चलता है लवलेश, वैसे मैं देखने जी की ट्राई सर करूंगा, बट आप जी बोर्ड सर लगाओ और उसमें करने की ट्राई करो। जी सर एक पॉलिटेक्निक लेक्चरर, पॉलिटेक्निक का सिलेबस देखो जी सर और उसमें देखो सिलेबस में क्या चीज है, उसमें क्या चेंज लाना चाहेंगे आप जी और सर कौन सा पोर्शन पढ़ाना चाहेंगे आप। जिस पोर्शन पढ़ाना चाहेंगे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है पॉलिटेक्निक लेक्चर के इंटरव्यू में कि सिलेबस देखा है आपने, तो जी सर सिलेबस देख के जाएं आप, जी फिर सर आप कुछ और सिलेबस के साथ कंपेयर करें इसको जी इंडिया सर में, जी इंडिया सर में फॉरेन में सिलेबस के साथ कंपेयर करें आप इसको, कौन जी सर सी कंट्री डेयरी टेक्नोलॉजी में आगे है, डेयरी जी सर टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट क्या चल रहा है, डेयरी टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट जी हाँ सर लेटेस्ट क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है जो इंडिया में नहीं कर रहे हम। जी सर और ये आपका जो बहुत फास्ट इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन जो आपने दिया वो बहुत फास्ट बोले आप, पेस जी सर लो करो। यस सर बाकी आपको जो मैंने फीडबैक दिए, जो क्वेश्चन पूछे उनको नोट कर लेना, उसी डायरेक्शन में तैयारी करो और वो लगाओ बोर्ड और उसमें पढ़ाने की ट्राई करो, राइट? जी सर